मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को परेड ग्राउंड देहरादून में मेट संस्था द्वारा नदियों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से आयोजित मैराथन 2018 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। जन सहयोग से हरेला पर्व के अवसर पर रिस्पना और कोसी नदी के किनारे 3.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नदियों के पुनर्जीवन के लिए आगे आना होगा। मैट संस्था ने बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देने का रचनात्मक कार्य किया है। आपको बता दें कि मैट संस्था लगातार रिस्पना के जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना एवं कोसी नदी को पुनर्जीवित कर हमें देश के समक्ष रोल मॉडल बनाना है। ये कार्य जन सहयोग से ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन नदियों के पुनर्जीवन के लिए सरकार को सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न संगठनों एवं स्थानीय जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ गंगा मिशन को सफल बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग करना होगा। नमामि गंगे के तहत 25,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष तक सोंग बांध की नींव रखी जाएगी। राज्य सरकार इकोसिस्टम, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन और स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस अवसर पर मेट संस्था के अभिजय नेगी भी उपस्थित रहे। संवाद 365 के लिए देहरादून से अमित गुसाई की रिपोर्ट।